My तो ये पोयम में एक गर्ल थी वो अपने ग्रहनी को हेयर कॉम करने के लिए बोलती थी और बोलती थी कि आप मुझे हेयर ऑल कर दो अच्छे से बाल बना दो और ग्रेनी है वो बहुत सारा टाइम लेके ये लड़की की बहुत अच्छे से केयर करते हैं राइट नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज एंड वी हैव ऑलरेडी रिटर्न सम क्वेश्चन आंसर राइट डू यू नो दिस क्वेश्चन आंसर ऑल्सो वी हैव रिटर्न इन नाउ दोटबुक नाव इज रिटर्न लेट्स टॉक सो लेट्स रीड दिस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आपको यस लिखना था और अगर नहीं रहते हैं तो आपको नो लिखना था डू डू दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू यू दिस स्पेंड स्पेंड सम टाइम टाइम विद देम क्या आप उनके साथ करते हो अगर आपके साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली आप टाइम स्पेंड करते होंगे राइट तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा यस आएगा और अगर नहीं रहते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल लेकिन जब आप वेकेशन में अपने दादा दादी के पास जाते होंगे तो तब पूरा टाइम आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते होंगे है ना नाउ सी हाउ डू यू हेल्प देम तो आप ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे हेल्प करते हो उनकी छोटी छोटी चीजें ढूंढने में हेल्प करते हैं जैसे न्यूज़पेपर लाना कभी कभी दादा दादी -दा भूल जाते हैं अपना चश्मा कहाँ पे रखा है तो वो ढूंढ के देना फिर उसके पास से स्टोरी सुनना राइट और और आप कैसे हेल्प करते हो वो मुझे बताना राइट आप ऐसे बुक में लिख भी सकते हो कि आप कैसे हेल्प करते हो नाउ नेक्स्ट लेट अस शेयर यहाँ पे आपको शेयर करना है वॉट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज आप आपके ग्रैंड मदर को क्या बुलाते हो मतलब आप घर पे क्या बुलाते हो दादी कोई बा बोलता होगा कोई दादी बोलता होगा राइट नाउ व टू राइट टूवर हिप इसमें लिख देना ओके वॉट डू यू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज आपके ग्रैंड फादर को आप क्या बुलाते हो दादा बुलाते होंगे है ना नाव डू यू नो एनी ओल्ड पीपल क्या आप दूसरे को ओल्ड पीपल को जानते हो कैन यू नेम दे उसके नाम पता है तो आपको लिखना है यस आई नो ओल्ड पीपल आपके दादा दादी होंगे तो उसके फ्रेंड्स तो होंगे तो आपको उसके नाम पता होंगे कि दादा के जो फ्रेंड्स है उसका नाम कोई भी जो भी नाम है आपको यहाँ पे लिख देना है राइट अगर आप जानते हो तो नाउ नेक्स्ट हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी डिस्कस विथ योर क्लास अब ये जो है वो क्लास में डिस्कस करना है बट हम हमारे दादा दादी को कैसे खुश रख सकते हैं वो आपको सोचना है राइट आपको सिर्फ इसको ऐसे ही शेयर करना है इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट बट आई एम ऑलरेडी आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग यू दिस सेंटेंस की आप दादा दादी को कैसे खुश रखते हो राइट हैव यू एवर आउट हैथ योर ग्रैंड पेरेंट्स क्या आप कभी भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बाहर गए हो यस आई हैव गोन आउट देखो जिसके साथ रहते हैं दादा दादी वो भी जाते होंगे और जब कभी भी आप वेकेशन में उनके घर जाते हो कभी भी आप दादा दादी के साथ बाहर जाते ही होंगे है ना तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है यस आई हैव गन आउट राइट फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे क्या करना है आपको सी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज वर्ड बिल्डिंग तो यहाँ पे आपको कोई वर्ड की बिल्डिंग नहीं दी हुई है जैसे बट आपको क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम दर्ड ग्रांड पेरेंट्स देखो नाउ ग्रांड पेरेंट्स इज वेरी बिग स्पेलिंग वेरी बिग स्पेलिंग राइट तो फ्रॉम दिस स्पेलिंग वी कैन मेक सो मेनी लॉर्ड्स ऑफ मीन्स लॉर्ड्स ऑफ स्पेलिंग वी कैन मेक यू मे यूज द लेटर्स इन एनी ऑर्डर वन हैज बिन डन फॉर यू मतलब क्या करना है आप कोई भी लेटर ले लो उसको इंटरचेंज करो पहले ए ले लो फिर कोई भी लेटर ले लो राइट उसको रेंज ऐसे लेना है वैसा जरूरी नहीं है और उसमें से न्यू वर्ड्स बनाना है जैसे यहाँ पे पहला वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है ई एन टी रेंट तो देखो ई एन टी रेंट लिखा हुआ है उसके बाद पहला हम जो वर्ड बना सकते हैं वो जी आर ए एन डी ग्रैंड राइट तो वो भी एक वर्ड है उसके बाद हम उसमें से बना सकते हैं ए एन टी एस एंट उसके बाद हम एक और वर्ड बना सकते हैं ग्रैप्स सी जी आर ए पी ई -E एस ग्रैप का भी ग्रैप्स का भी जो स्पेलिंग है वो इसके अंदर आ चुका है उसके बाद पैंट पी ए एन टी पैंट राइट तो हम वो भी बना सकते हैं एंड एंड ऑल्सो वी कैन मेक ए एन डी एंड आफ्टर दैट एन टेन एंड दिस इज

ये गर्ल है उसका नाम सोचो कि कुछ भी उसका नाम है जैसे मीरा राइट right. ये मीरा है तो हम बार बार नहीं बोलेंगे मीरा इज वेरी गुड गर्ल मीरा इज इन माई क्लास मीरा इज गोइंग टू होम क्या बार बार हम मीरा मीरा बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसके लिए हम एक बार मीरा बोलेंगे माय फ्रेंड्स नेम इज मीरा शी इज वेरी गुड गर्ल शी इज गोइंग टू स्कूल राइट तो अब मैंने मीरा की जगह पे क्या यूज किया शी अंडरस्टैंड तो हमने नेम की जगह पे कुछ और लिख दिया है ना तो मीरा की जगह पे हमने शी यूज किया राइट right? तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि गर्ल है तो उसको उसके नाम के रिप्लेस करके हम शी लगाते हैं बॉय है तो उसका नाम रिप्लेस करके हम ही लगाएंगे आई बात समझ में इफ द नेम ऑफ गर्ल इज गिवन वी यूज शी एंड इफ द नेम ऑफ बॉय इज गिवन वी यूज ही और सपोज दे नेम ऑफ अ गर्ल और अ नेम ऑफ अ बॉय एट दट टाइम इफ एनिमल और बर्ड इज गिवन राइट कुछ और दिया हुआ है तो हम उसको इट लगाएंगे आई बात समझ पे कोई थिंग्स है तो भी हम उसको इट लगाएंगे नाउसी द फर्स्ट वर्ड इज गिवन मीना इज प्लेइंग विथ अ डॉल देखो इसका नाम मीना है मैंने पहले उसका नाम मीना रखा था लेकिन अब इसका नाम मीना है मीना इज प्लेइंग विथ अ डॉल शी इज अ गर्ल तो देखो मीन, मीना की जगह पे हमने शी लगा दिया फिर वापस ने लिखेंगे मीना इज प्लेइंग विथ अ डॉल मीना इज अ गर्ल बार बार एक ही नाम नहीं बोलेंगे फिर हम उसको शी बोलेंगे यू कैन सी राम जो है वो ट्री के ऊपर चल रहा है सो राम इज अ बॉय तो बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे ही इज अ बॉय आई बात समझ में वापस हम एक ही नाम एक ही नाम बार बार रिपीट नहीं करेंगे डू नॉट ईट दैट मैंगो वो मैंगो मत खाओ मैंगो है वो गर्ल है क्या मैंगो इज इट अ गर्ल नो इज इट अ बॉय नो मैंगो गर्ल भी नहीं है बॉय भी नहीं है राइट right? वो तो एक फ्रूट है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे इट इट इज नॉट राइप कि वो पक्की नहीं है राइप का मतलब क्या होता है पक्का राइट जो मैंगो होती है वो पक जाती है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं राइट मैंगोज अंडरस्टैंड नाउ लेट्स राइट इज गिवन ओके सो इन दिस वॉट यू हैव टू डू सपोज यू गो टू स्टे विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वीक मतलब कि आप एक वीक के लिए आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने वाले हो ओके मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विथ यू फॉर दैम तो आप बाहर जा रहे हो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो आप कौन कौन सी थिंग्स उसके लिए लेके जाओगे राइट right? आपको उस थिंग्स का लिस्ट बनाना है समझ में आया जैसे कि आप पहले देखो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो डेली कुछ ऐसी थिंग्स होती है जिसके बिना नहीं रह सकते हैं, राइट right? तो ऐसी थिंग्स पहले ढूंढो कि ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए ही चाहिए तो आप बाहर जा रहे हो तो उसके लिए लेके जाओगे ना विदाउट फेल क्योंकि वो आपकी इतनी सारी केयर करते हैं तो आपको भी उसकी थिंग्स को याद रख के लेके जाना चाहिए है ना तो क्या करना है आपको थिंग्स जो है वो याद रखनी है और फिर लेके जाना है तो ऐसी कौन कौन सी थिंग्स होगी वो हमें यहाँ पे लिखना है और एक बात यहां पे आपको दी हुई है डू नॉट फॉर गेट टू पुट ए एन और दी बिफोर ईच थिंग और थिंग के पहले हमें क्या लगाना है ए एन और दी राइट कोई एक थिंग होगी तो आप ए एन ए एन लगाओगे राइट आइदर ए और ए एन सो ए एन एन दिस बोथ आर एंटी टी एच ई दी ऑल्सो दिस थ्री आर आर्टिकल्स राइट ये क्या है आर्टिकल्स बोलते हैं आपने ये ए एन ग्रामर में ऑलरेडी सीख लिया होगा तो आपको पता ही होगा है ना लेकिन फिर भी मैं आपको बता, दे, बता देती हूं कि जो ए है वो हम कॉन्सनेस होते हैं ना उसके आगे लगाते हैं ए एन जो होता है जो वोवेल्स होते हैं ए आई ओ यू हाउ मेनी वोवेल्स फाइव वोवेल्स वोवेल्स और दर्ड स्टार्टिंग इफ द वर्ड इज स्टार्टिंग विदेल राइट कोई वर्ड ऐसा भी होता है जो वोवल्स के साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं ए एन और द हम कुछ स्पेशल थिंग्स के लिए लगाते हैं जैसे कि द मून द सन राइट तो उस तरीके की जो थिंग्स होती है हम उसके आगे दी लगाते हैं तो देखो फर्स्ट है जो वॉकिंग स्टिक अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके ग्रैंड पेरेंट्स को वॉकिंग स्टिक की जरूरत पड़ती है बट मैंने यहाँ पे कुछ थिंग्स का लिस्ट बनाया है तो आपको ये लिस्ट के हिसाब से थिंग्स लिखनी है और अगर कुछ अलग है तो आपको वो भी लिखनी है बिकॉज आई डोंट नो अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स यू नो वेरी वेल अबाउट दैम सो यू कैन राइट बाय योर सेल्फ आपको क्या करना है अपने आप लिखना है सो so पहला मैंने लिखा है अ वॉकिंग स्टिक चलने के लिए जो स्टिक होती है वो आफ्टर दैट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा ये भी किसी किसी के ग्रैंड पेरेंट्स पहनते होंगे सबके तो नहीं तो ये अलग होगा नाउ द रामायण अब देखो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसको होली बुक्स मतलब कि जो भगवान के रिलेटेड हो या कुछ अलग हो तो ऐसी थिंग्स बहुत पसंद होती है राइट स्टोरीज भी हमें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं तो उसके लिए हमने मैंने एक बुक का नाम लिखा है द रामायण क्योंकि किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि डेली रामायण का एक पेज पढ़ते हैं या आपको पढ़ के सुनाते हैं तो उसकी जरूरत पड़ती है तो मैंने इसका नाम लिखा है उसके बाद अ शॉल शॉल की भी जरूरत पड़ती होगी नाउ अ मेडिसिन बॉक्स ये भी ग्रैंड पेरेंट्स को जरूरत पड़ती है राइट क्योंकि उसकी एज होती है तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो हमने यहाँ पे लिखा है अ मेडिसिन बॉक्स बट इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर फॉर ऑल ग्रैंड पेरेंट्स राइट जिसके ग्रैंड पेरेंट्स को जरूरत है वो लिखेंगे नाउ नेक्स्ट अ कॉफी और टी मेकर कॉफी मेकर और टी मेकर राइट तो इतनी थिंग्स मैंने लिखी है इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग्स आपको कुछ अलग लिख, लिखना है तो आप अलग भी लिख सकते हो राइट right? आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के अगर आपको नहीं पता है तो आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के लिख सकते हो नाउ सी हियर वॉट इज दिस फन टाइम हियर इट्स अ फन एक्टिविटी सी मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स अब देखो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आपको थैंक यू कार्ड बनाना है राइट right? फॉर दैट वॉट डू यू रिक्वायर तो उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए चार्ट पेपर ऑफ एनी कलर ऑफ नाइन इंच ट्वेल्व इंच मतलब की कोई भी कलर का चार्ट पेपर ले लो नाइन बाय ट्वेल्व का कट कर लो राइट ऐसे ही देन स्केचपेन स्टीकर ब्लॉक फिर आपको कुछ स्केचपेन चाहिए फिर कुछ स्टीकर चाहिए और कुछ डिजाइन के ब्लॉक्स चाहिए आपके पास अगर डिजाइन के ब्लॉक नहीं है तो आप ड्रो भी कर सकते हो नो no प्रॉब्लम आप ड्रो करके बना सकते हो तो आप ऐसा करना आपके पास कोई भी पेपर पड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ट पेपर ही हो कोई भी पेपर आपके पास ब्लैंक पेज है आपकी नोटबुक का तो भी चलेगा उसको आप फोल्ड कर दो राइट आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल यही अब मैंने पेज लिया तो मैं क्या कर दूंगी ऐसे फोल्ड कर दूंगी तो ओपन करके एक कार्ड जैसा बन जाएगा फिर आप ऊपर ऊपर यहाँ पे कुछ थिंग्स फ्लावर्स ऐसा कुछ ड्रॉ कर देना और उसके अंदर आप कुछ लिख देना देखो उसको कैसे बनाना है वो भी आपको दिया हुआ है सी मेक इट दिस वे फोल्ड द पेपर इंटू टू पेपर को आपको सबसे पहले क्या करना है फोल्ड करना है आफ्टर दैट ड्रो और स्टिक पिक्चर्स ऑन इट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ करो अगर आपके पास पिक्चर्स पड़े हैं तो उसको स्टिक करो राइट अ मैसेज इन साइड और आप उसके अंदर मैसेज लिखो बिगिन विथ डियर ग्रैंड फादर और डियर ग्रैंड मदर अगर आप आपके ग्रैंड फादर को मैसेज कर रहे हो तो आप आपके ग्रैंड फादर को लिखोगे डियर ग्रैंड फादर और अगर आप आपके ग्रैंड मदर को देने वाले हो तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर डियर ग्रैंड मदर राइट फिर आपको जो लिखना है आई लव यू सो मच उसके बाद क्या लिखोगे यू आर वेरी काइंड यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी आपको कैसा भी अंदर लिख सकते हो आप आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो राइट सो यू कैन मेक दिस कार्ड बाय योर सेल्फ आपके लिए खुद के लिए कार्ड बनाओ फिर अपने आप बनाओ अंडरस्टैंड और फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को दो सो so आपको बहुत ही मजा आएगा ओके okay? सो so आज हमने जितना भी किया है आपको पूरा सब एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है थैंक यू